हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल यूके। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। लक्सर के हरसीवाला गांव निवासी कुंवरपाल का साला अपनी बहन से मिलने हरसीवाला आया था। दोपहर बाद वह अपनी बहन और 10 वर्षीय भांजे विवेक को बाइक पर बैठाकर दल्लावाला ले जा रहा था। वहीं नगर में फ्लाईओवर पर डंपर ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक गिर गई, साथ ही उस पर बैठा विवेक डंपर से अगले पहिए के सामने गिर गया। डंपर चालक ने ब्रेक भी लगाए, पर तब तक डंपर के पहिए के नीचे कुचलकर विवेक की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने डंपर के चालक भीम सिंह को नीचे उतार लिया और अंधाधुंध पीटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और चालक को भीड़ से छुड़ाकर ले जाने लगे, लेकिन भीड़ ने कई बार सिपाहियों से हाथापाई करके चालक को उतार लिया। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेज दिया है। ओवरलोड, एक तो पहली बात यही है कि ओवरलोड आई क्यों रहा है दिन में? ये तो डंपर है, डंपर छोड़ो, ट्रैक्टर ट्रॉली भी अक्सर खनन की जो भर के आती है वो भी इतनी चलती है। दूसरा, अभी एक हादसा बच्चों का भी, तो ट्रेन का हादसा ठंडा भी नहीं हुआ था, ये तीसरा एक और हो गया। ये ओवर ब्रिज के अंडर पास की मांग अब तक लोगों ने कर रखी है, वो भी नहीं बना। झूठे वादे, झूठी सरकार। कल अभी करीब आधा पौन घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, डंपर से बाइक सवार पे जो है एक बच्चा जा रहा था और उसके फादर या मामा उसके बाइक चला रहे थे, उससे जो है बाइक पे टक्कर लगने से डंपर के नीचे आ गया है बच्चा और जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई है, उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं और अभी जो है जो डंपर चालक है उनके भी मुकदमा कायम किया जाएगा, उचित कानून कार्रवाई। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।